हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजी लॉकर से सीटेट मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में आ चुका है, लेकिन आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, साइन इन भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको डिजी लॉकर से आपकी मार्कशीट नहीं मिल पा रही है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप अपनी मार्कशीट को डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भले ही अब नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अगर यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस, कैसे आप डिजी लॉकर से सीटेट मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर, वहाँ पर हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर, ये हमने पहले डाला हुआ था। और डिजी लॉकर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर पहली ही साइट है, इस पर क्लिक करने के बाद आप साइन इन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से फिर आप नीचे जाकर, ये है आपका डिजी लॉकर एंड्रॉयड ऐप, इसके बाद है आपका, ये है आपका CBSE डॉक्यूमेंट सेकंड नंबर पर, ठीक है। फ्रॉम हेयर पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर पार्टनर नेम में आपका क्या आएगा, पार्टनर नेम में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा है बोर्ड ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको नीचे ही मिलेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होगा, और जैसे ही आप अपना रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर और उसके बाद मंथ डालते हैं, इसके बाद आप जाएंगे गेट डॉक्यूमेंट्स पर, जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन, जैसे ही डाउनलोडिंग हो जाती है आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है, और ओपन पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आपने चूज़ किया है वो ओपन हो जाएगा। थैंक यू गाइज, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के न्यू अपडेट्स और तरीके आपको मिल सके। थैंक यू।